बनाया गया। महारानी के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया। महारानी के बेटे को किंग चार्ल्स तृतीय की उपाधि भी दे दी गई। महाराज चार्ल्स 73 साल के हैं। पदारोहण समिति प्रिंस चार्ल्स को राज सौंपेगी और उनका पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है, जो ब्रिटेन के सबसे उम्रदराज महाराज बन चुके हैं। महाराज चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट में हादसा हुआ है। आजाद मार्केट इलाके में दरअसल 4 मंजिला इमारत जो बन रही थी, बन रही है 4 मंजिला इमारत, अचानक से ढह गई। हादसे में बड़ा अपडेट आपको बता दें, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में 6 से 7 मजदूर दबे हो सकते हैं, अभी भी जो जानकारी है। दीपक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए, दीपक क्या अपडेट? देखिए अभी तक जो दमकल का जो अपडेट आया है उसमें 3 कैजुअलिटीज बताई गई हैं, जबकि 5 से 7 लोग जो हैं अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जो स्थानीय चश्मदीद थे उन्होंने भी दमकल को बताया कि कुछ लोग गली से गुजर रहे थे और बाकी जो 1 दर्जन के आसपास मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो वहां पर फंसे हो सकते हैं, और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। जो 3 कैजुअलिटीज हैं उसमें हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है कि किस तरह की, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर ही कैजुअलिटीज को डेथ घोषित किया जाता है, और दमकल के मुताबिक 3 कैजुअलिटीज वहां से गई है, यानी कि अचेतावस्था में उन लोगों को ले जाया गया है। तो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उन लोगों को निकालना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि वहां पर छोटी सी संकरी गलियां हैं और गली के बीच में मलबा जो फंसा हुआ है उस पर से वहां पर लोगों को निकालना बहुत बड़ा टास्क है। दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये वही आजाद मार्केट का इलाका जहां पर ये 4 मंजिला इमारत दरअसल ये बताई जा रही है जो अचानक से भरभराकर गिर पड़ी। हालांकि वहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बेहद संकरी ये गलियां और जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो जानकारी अब तक की 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 से 7 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक कितने बजे ये हादसा और क्या हादसे के पीछे की वजह बताई जा रही है फिलहाल? देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुबह तकरीबन 8:15 के बीच की ये घटना है, लेकिन दमकल को 8:30 बजे ये कॉल मिली थी कि एक बिल्डिंग जो है शीश महल इलाके में जो आजाद मार्केट इलाका है और वहां पर गिरी हुई है। कोई वहां पर जो आसपास लोग थे उन्होंने तुरंत ही कॉल की है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें भेजी गई, लेकिन काफी एक लंबा समय इसलिए बीत गया क्योंकि वहां पर संकरी गलियां हैं, सुबह का समय है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चों के भी वहां पर टोटल होने की सूचना जो है स्थानीय चश्मदीदों ने दी है। लेकिन ये बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर काम चल रहा था, ये स्थानीय लोगों ने वहां पर जानकारी दी पुलिस को कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और अचानक ये भरभराकर गिरी है, शायद कोई नींव या कोई ऐसा वहां पर जो पिलर वगैरह था वो ढह गया था, जिसकी वजह से वजन पड़ा और उसके बाद पूरी बिल्डिंग ढह गई है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग कही जा रही है, लेकिन जो चीजें निकल कर आएंगी सबसे पहला टास्क जो है पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर दबे होने की सूचना उन्हें मिली थी, इसी वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमों को बुलाया गया है। एनडीआरएफ को भी कॉल की गई है, कुछ देर बाद एनडीआरएफ वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि मलबा हटाना काफी बड़ा टास्क है, क्योंकि पूरी ठीक है। दीपक आप बने रहिए, एक बार मैं फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते हैं वो भी मदद कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर वहां पर लोग दबे हुए हैं, जैसा कि दीपक भी लगातार बता रहे हैं कि 6 से 7 लोग वहां पर दबे हुए हैं जो जानकारी अब तक है। तो देखिए प्रशासन के साथ साथ दमकल विभाग की टीम के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची है उनके साथ साथ स्थानीय नागरिक जो है वो भी वहां पर लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। लेकिन दीपक आप इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कुछ बच्चों के भी चोटिल होने की जानकारी है, जो बच्चे वहां से गुजर रहे थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ। जी देखिए बिल्कुल, वहां पर जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था कि वहां पर तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे वो शायद उसमें चपेट में आए हैं, क्योंकि एक परिवार जो है वहां पर ये बता रहा था कि उनका जो बच्चा है वो वहां पर मिसिंग है। तो जो पूरी गली है वो आप देख सकते हैं कि आने के लिए जो दीपक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये फिलहाल सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आ रहा है वो देखिए ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा संकरी गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं और जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसे में दमकल विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों कैसे किया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका हर कोई वहां पर लगातार पहुंच रहा है, ऐसे में ना गाड़ियां अंदर जा सकती है, किसी भी तरीके से लेंटर्स जो है इनको हटाना है, मलबे को हटाना है और अगर अंदर लोग दबे हुए हैं तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि जब ये भर भरा कर गिरी तो वहां पर लोग मौजूद थे।
जी 8 बजे की घटना है जी, पूरे 8 बजे की घटना है। ये चार मंजिल बन रही थी, काम हो रही है, नई बिल्डिंग है बिल्कुल, एकदम सारी बिल्डिंग गिर गई, लेबर भी अंदर है, कम से कम 1500 लड़के थे, तीन लड़के निकाल चुके अभी तक हम। जी, ये शीश महल आधार मार्केट सदर बाजार। जी, अचानक क्या हुआ आप लोगों ने क्या देखा? ये जी काम हो रहा है, ईंटें आ रही थी ऊपर, एकदम पूरी बिल्डिंग धड़ाधड़ गिर गई, और मुझे लगता है बच्चे भी अंदर स्कूल के, कुछ एक आध बच्चा स्कूल का भी है, स्कूल जाते हुए जो बच्चे थे वो भी है अंदर। जी वो भी है, क्योंकि इसके माँ बाप बहुत हंगामा कर रहे हैं, रो रहे हैं कि इनके बच्चे अंदर जख्मी है। कई लोगों के बच्चे अंदर हैं अभी तक, कई लोगों के बच्चे नहीं दिखे हैं, कई लोगों के बच्चों का पता नहीं है जो स्कूल जा रहे थे, किसी का पता नहीं है। लेबर भी बहुत सारी अंदर दबी हुई है, अभी दो निकाल चुके हैं, दो घायल हैं बाड़मेर हॉस्पिटल में। अरे लगो, तो देखिए चश्मदीदों को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने ये चार मंजिला इमारत जो बन ही रही थी वो अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी, और अंदर क्योंकि देखिए चश्मदीद बता रहे हैं, हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर जो है करीबन 15 से 16 लेबर्स जो है कर्मचारी जो है वो काम कर रहे थे, और वो सभी जो है उसके नीचे दब गए। इतना ही नहीं, जो बच्चे आसपास से गुजर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के 9:30 बजे का वक्त है, लेकिन ये हादसा जो है 8 बजे के करीब हुआ है, और उस वक्त स्कूल के बच्चों के जो है जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त बच्चे भी जो है वो उसकी चपेट में आए हैं। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, चश्मदीद साफ तौर पर बता रहे कि 15 से 16 लेबर्स जो है वो उस वक्त काम कर रहे थे, यानी कि 15 से 16 लोग अंदर दबे हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए चश्मदीदों की अगर माने, क्योंकि वहां पर ये बिल्डिंग में जो है काम चल रहा था, और काफी समय से ये काम चल रहा था, जिसके बाद जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें ये जानकारी होती है कि वहां पर कितने मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह से मजदूर वहां पर पहुंचे हुए थे, और अचानक ये बिल्डिंग कैसे गिरी है इसका आकलन तो हालांकि बाद में हो पाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है वो उन लोगों को बचाया जाना है, क्योंकि मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है, 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर बताए गए हैं स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक, उनको निकाला जाना जरूरी है, क्योंकि अब वहां पर किसी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी वहां पर कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 लोगों को वहां से निकाला गया था शुरुआती दौर में, और उसके बाद दमकल का कहना है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए परेशानी आ रही क्योंकि संकरी गलियां है, मलबा ज्यादा है, क्योंकि बिल्डिंग वहां पर बन रही थी उसका मलबा ज्यादा है, और जो मलबा गिरा है उसका आधा हिस्सा जो है वहां पर चल रही जो सड़क है संकरी गली है उसमें भी गिरा है। अब गली में कितने लोग चल रहे थे इसकी जानकारी अभी फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन एक बच्चे का परिवार वहां पर रो रहा था, जिसको कहना है कि वो वहां पर जानकारी जुटा रहा है कि उस बच्चे के भी वहां पर गुम होने की यहां पर सूचना मिली, तो उसकी भी जानकारी वहां पर जुटाई जा रही है, लेकिन टास्क जो है वो वही है कि इस मलबे को कैसे हटाया जाए, क्योंकि अंदर तक दमकल की गाड़ियां नहीं आ सकती। याद होगा कि राजधानी दिल्ली में पिछले 3 महीने की दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इमारत गिरी है, और इसी बीच 2 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आजाद मार्केट में यह हादसा हुआ है राजधानी दिल्ली में, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो गोवा से है, जहां पर कर्लिस क्लब ढहा दिया गया, उसकी शुरुआत जो है वो वहां पर हो गई है। कर्लिस क्लब वही जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, जहां कहा जा रहा है जो गोवा पुलिस की तरफ से, हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी अधिकारी अभी तक लगातार दे रहे हैं कि वहीं पर उन्हें ड्रग्स दी गई थी और ओवरडोज की वजह से उनकी जो है मौत हुई थी। तो आज की 2 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, जिस पर महा कवरेज लगातार स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक हमारी जारी है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है जो राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर आजाद मार्केट में यह दर्दनाक हादसा सुबह सवेरे 8 बजे करीब हुआ है, और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी है कि देखिए 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि वहां पर 15 लोग काम कर रहे थे, 3 लोगों को निकाल लिया गया है, यानी कि 10 से 12 मजदूर जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वहां से जो स्कूल के बच्चे गुजर रहे थे वो भी इसके चपेट में आए, वहां पर जो परिजन हैं उनका रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि उनके बच्चे लापता हैं और नहीं पता कि क्या इस मलबे के नीचे उनके बच्चे हैं, तो इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाए। एक तरफ ये सबसे बड़ी खबर, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोवा की, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर जो क्लब बनाया गया था उसे अब तोड़ा जा रहा है, कर्लिस क्लब को ढहाया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया था कि देखिए नियमों को ताक पर रखा गया है, नियमों को ताक पर रखकर जो है इसे बनाया गया है।
तो दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, जिसमें आजाद मार्केट में जो हादसा हुआ है। दीपक, मैं इस बारे में आपसे जानना चाह रही थी, पिछले 3 महीने के अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसी राजधानी दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं जहां पर भरभराकर अचानक से इमारत गिर जाती है और बाद में जब जांच पड़ताल की जाती है तो ये बात निकलकर सामने आती है कि वहां पर खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। क्या माना जाए कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई है? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही, क्योंकि ये जो प्लॉट जहां पर एक घर बन रहा था 4 मंजिला, ये अजय जैन नाम के एक शख्स का है जो यहां पर अपना घर का निर्माण करवा रहे थे। अब ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है इसके बारे में जानकारी यहां पर पुलिस ले रही, क्योंकि जो अमूमन पुराना इलाका है पुरानी दिल्ली का, उसमें आजाद मार्केट भी है और यहाँ पर संकरी गलियां हैं और जो घर है वो काफी जर्जर हालत में होते हैं, उनको यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दोबारा से इनका अंडर कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर किया जाता है और उसी की वजह से यहाँ पर ये हादसा पेश आया है। क्योंकि खाली प्लॉट यहाँ पर नहीं होता, इसी बिल्डिंग को ये लोग रिनोवेट करते हैं और उसी वजह से ये बिल्डिंग भरभराकर गिर जाती है जिसकी परमिशन नहीं ली जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि पुरानी दिल्ली में कई ऐसी इमारतें हैं जो काफी पुरानी हो चुकी है लेकिन लोग फिर भी वहाँ पर जान जोखिम में डालकर रहते हैं। कि वैज्ञानिक भी राजधानी दिल्ली के लिए हमेशा से कहते हुआ है कि दिल्ली में जिस तरीके से मकान है, जिस तरीके से, क्योंकि जगह नहीं है वहां पर, खासकर अगर हम आजाद मार्केट और लाल किले चांदनी चौक की बात करें, उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि अगर दिल्ली में ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ जाए तो दिल्ली, आधी दिल्ली तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भूकंप का जो रिक्टर स्केल होता है, उस भूकंप का रिक्टर स्केल अगर 5 के आसपास रहे तो चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के पास के घर हैं वो उनमें काफी नुकसान होगा, ये पहले से कहा जा चुका है। और जिन बिल्डिंगों को जर्जर हालत में घोषित किया जा चुका है, चाहे वो एमसीडी की तरफ से, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते हैं और उसी घर में रहते हैं और इसी वजह से ये हादसे बराबर लगातार लोगों को जो है एक चुनौती के रूप में नजर आते हैं। और यहाँ पर भी यही हादसा हुआ है कि बिल्डिंग को निर्माण किया जा रहा था, आखिर वो पुरानी बिल्डिंग को क्या दोबारा से बनाया जा रहा था या क्या पूरी बिल्डिंग को गिराया जाना था, ये सारी चीजें जो है जाँच के। दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ, एक बार दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप 4 तस्वीरें देखे, लेकिन देखिए सबसे मुश्किल यहाँ पर जो हो रही है, स्थानीय नागरिक तो मौजूद है, कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की जा सके, लेकिन क्योंकि बहुत ही पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, ऐसे में जब दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है कि गलियों के अंदर तक गाड़ी नहीं जा सकती है, तो ऐसे में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब हादसे होते रहे और संकरी गलियां होती है तो ऐसे में सीढ़ियां तक अंदर नहीं ले जा पाते हैं, और यही तस्वीरें यहाँ पर भी निकलकर सामने, देखिए हाथ से जो है कोशिश की जा रही है मलबा हटाने की। इसी के बारे में दीपक से लगातार पूछ लेते हैं। दीपक के पास चलूंगी, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से 2 तस्वीरें दिखाती हूं। आज की आखिर 2 बड़ी खबरें क्या है? सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुबह सवेरे आजाद मार्केट में हादसा हुआ, जिसमें जानकारी है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए, लेकिन जो जानकारी है कि देखिए कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं जो इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि वहां पर इसके ऑपरेशन लगातार जारी है, स्थानीय नागरिक लोगों की मदद करें। और दूसरी बड़ी खबर आज आपको दिखा रहे हैं गोवा से, जहां पर कर्लिस क्लब जहां पर सोनाली फोगाट की मौत का मामला सामने आया था, जहां पर यह कहा गया था कि उसी कर्लिस क्लब में जो है सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। हालांकि अभी तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ओवरडोज की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई थी और उसी कर्लिस क्लब को अब ढहाया जा रहा है क्योंकि आदेश दिया गया था। हमारे साथ लगातार दिल्ली की खबर पर, आजाद मार्केट की खबर पर, जहां पर हादसा हुआ उस पर दीपक बिष्ट लगातार बने हुए। दीपक, क्या माना जाए कितनी परेशानियों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है और कितनी देर तक स्थिति जो है वो साफ हो सकती है? देखिए, जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरी है उसके बाद अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर खत्म होगा, क्योंकि जब तक सभी लोगों की गिनती नहीं हो पाती है, कौन ठेकेदार था, किसके अंदर में काम चल रहा था, कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और वहां पर उन मजदूरों की संख्या जब तक भी क्लियर हो पाती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि जब तक मलबा पूरा नहीं हटाया जाता, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को वहां पर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी स्थानीय लोग भी मलबे को हटाने में यहाँ पर सक्षम है। जो गलियां हैं वहां पर भीड़ ज्यादा हो चुकी है, स्थानीय लोगों को हटाना पुलिस के लिए भारी मशक्कत का काम करना पड़ रहा है और जब जेसीबी वहां पर पहुंचेंगी तब जेसीबी के जरिए वो मलबा जल्द से जल्द हटाया जा सकता है। दीपक, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने ये है कि आखिर जेसीबी, क्योंकि ये जो आप हम गली देख पा रहे हैं बहुत ही पतली गली है, यहाँ से एक सिर्फ बाइक ही गुजर सकती है, गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती, तो ऐसे में जेसीबी वहां कैसे पहुंचेगी? रेस्क्यू ऑपरेशन में तो बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें हैं सामने आई हैं, जो एरिया है पूरा वो संकरी गलियों का है और वहां पर जेसीबी को लाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगा, लेकिन लाना तो ही पड़ेगा क्योंकि
प्रशासन को पता है कि बिना जेसीबी के ये मलबा हटाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ देर में अभी तो दमकल के कर्मचारी वहां पर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं स्थानीय लोगों की मदद से, क्योंकि एक एक ईंट करके वहां से हटाया जा रहा है। लाइन बाय लाइन लोग मदद करने के तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचेंगी, क्योंकि टेक्निकली उनको पता है कि किस तरह से मलबा हटाकर लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर जेसीबी मशीन का होना बहुत जरूरी, क्योंकि भारी भरकम जो गार्डर है वो रॉड्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको हटाने के लिए काफी मशक्कत चाहिए, मैन पावर से ये काम नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए लोगों की मदद तो ली जा रही है, लेकिन जब तक बड़ी मशीनें नहीं आएंगी, जब तक मलबा नहीं हटेगा, तब तक लोगों की जो लोग दबे हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि दर्दनाक हादसा है, फिर लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। और 5 तस्वीर आपके सामने है दिल्ली के आजाद मार्केट की तस्वीरें, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिंदगी की जंग चल रही है, क्योंकि अंदर जो है वो जिंदगियां दबी हुई है। तो ये कोशिश लगातार है कि किसी भी तरीके से उन जिंदगियों को बचाया जा सके। 10 से 12 लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए, एक एक अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं।